एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सौम्या। तो आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं हम लोग अपने फेशियल हेयर की। तो हम लोगों को अपने फेशियल हेयर कैसे रिमूव करने चाहिए, कौन सा बेस्ट तरीका होता है। वैक्सिंग तो अच्छा तरीका होता भी है, लेकिन काफ़ी लोगों को उससे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने अपने शादी के टाइम पर वैक्सिंग करा लिया था यहाँ फेशियल वाले, तो उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जैसे कि मेरे यहाँ पे रैशेस पड़ गए थे और छोटे छोटे से पिंपल भी हो गए थे। तो काफ़ी लोगों को सूट भी नहीं करता है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा वैक्सिंग को नहीं सजेस्ट करूँगी आप लोगों के लिए। तो मैं जो यूज़ करती हूँ, मैं वही आप फॉर्मूला आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए देखते हैं वो तरीका क्या है। तो मैं यूज़ करती हूँ ये वाला रेजर। तो ये मुझे 100 रुपीज़ में 3 पीस मिला था। तो काफ़ी अच्छा रेज़र है और कुछ इस टाइप का ये रेज़र रहता है इसमें, इसको एसिल का, और काफ़ी ईजिली ये आपके फेस को हेयर को रिमूव कर देता है। तो कुछ देखिए मैं आपको दिखा दे रही हूँ। तो इसमें कुछ आपको करना नहीं रहता है, आप हल्का सा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या फिर आप नॉर्मल वाटर भी ऐड कर सकती हैं। मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। तो मैं आपको हैंड में अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो देखिए इस कुछ इस टाइप से आप अपने फेशियल हेयर को इस टाइप में ले जाके अपर डायरेक्शन में आप इसको रिमूव कर सकती हैं। मेरे हैंड में इस टाइम बाल है नहीं ज़्यादा, तो इस वजह से आपको नहीं दिख रहे होंगे। तो मैं आपको पास से दिखा दे रही हूँ। तो थोड़े बहुत से जो हेयर रिमूव हुए हैं तो हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा ये रेज़र है और आपको इससे पेन भी नहीं होगा, और आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही आप घर बैठे इसको यूज कर सकते हैं। तो करना कुछ नहीं रहता है आपको, ये फेस अपना गीला कर लीजिए। गीला करने के बाद कुछ इस तरह से अपने फेस को यहाँ से खींचिए और ये देखिए, ये देखिए मैं आपको रिमूव करके दिखा दे रही हूँ। तो ये देखिए कुछ इस टाइप में, ये देखिए मैंने अभी रिमूव किया है, तो रिमूव हो जाता है और पेन भी नहीं होता है। तो ये वाला रेजर मुझे अच्छा लगा और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। तो काफ़ी अच्छा है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आप लोग अपने फेशियल इससे रिमूव करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ईचिंग की प्रॉब्लम या रैसेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्मियों में अक्सर हम लोगों की रैसेज होने जाते हैं वैक्सिंग करवाने के बाद, या तो किसी किसी को पिंपल हो जाते हैं जिसकी स्किन सेंसिटिव होती है, उसको ये सारी दिक्कत फेस करनी ही पड़ती है। तो अगर आप ये वाला रेज़र यूज़ करेंगे तो आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। काफ़ी अच्छा ये रेज़र है, तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से इसको चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।